हाय गाइस, मेरा नाम है अमान वस्तानी और आज मैं आया हूँ एक और वीडियो के साथ जहाँ पे मैं बताऊंगा कि क्यों मुझे नफरत है बैंक अकाउंट में पैसे सेव करने की। बहुत हमारे जो पुराने जमाने के लोग हैं या हमारे जो सीनियर्स हैं वो हमें बता देते हैं कि बेटा, अगर पैसे जमा करोगे या सेविंग करोगे तो ही कुछ बेहतरी होगी, आपकी फाइनेंशियल बर्डन कम होगा, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाओगे। ये है ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट एंड मुझे काफ़ी लेट तो नहीं कहूँगा, ज़्यादा लेट तो नहीं पता चला, मुझे पहले से ही पता चल गया था कि ये जो थिंकिंग या ये जो मैंटेलिटी वो बिल्कुल गलत है कि भाइयों, आप पैसे सेव करो घर के अंदर या आप पैसे सेव करो बैंक अकाउंट के अंदर एंड आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे या बाद में इन योर रेनी डेज ये चीज़ ये पैसे ये सेविंग आपके काम आ जाएगी। सो आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट इट। ठीक है, तो पहला सवाल तो ये है कि इसके अंदर मैं इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर करूंगा कि क्यों मुझे बैंक अकाउंट में सेविंग ना पसंद है एंड ये बताऊंगा कि क्या सेविंग के कौन कौन से एवेन्यूज हैं जहां पे हम पैसे सेव कर सकते हैं। सबसे पहले तो बात ये है कि बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट के अंदर आप आज भी चले जाएं किसी भी बैंक के अंदर तो बैंक आपको देता है 5% या 5.5%, आप किसी भी बैंक में चले जाएँ। ठीक है, मैं अभी अपना बैंक अकाउंट एक और बैंक, एक बहुत बड़ा बैंक है पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पे खुलवाने के लिए गया एंड उन्होंने मुझे रेट दिया 5.5% एंड ये नॉर्मल है। हमारे पाकिस्तान के अंदर 25 से 30 बैंक्स होंगे गिनती के एंड सब 5.5 to 6%, छोटा बैंक शायद 6% दे दे, बड़ा बैंक होगा तो वो बोलेगा कि मैं 5.5% दूंगा। सबको तो बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है यार कि पहले तो हम लोग बैंक के अंदर पैसे जमा कराएंगे तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है यार, 5.5% मुझे एवरी ईयर एनुअल रिटर्न मिलेगा। मगर लोगों को ये नहीं पता है कि हमारी जो इन्फ्लेशन है या महंगाई है वो ही 9% है। अब मुझे एक बात बताएं, आपकी वैल्यू इन्फ्लेशन रेट क्या होता है? इन्फ्लेशन ये होता है कि आपके जो पैसा है या जो मनी है वो कितना परसेंट अपनी वैल्यू खो रही है। आज एक चीज़ मैं ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 100 रुपये का टमाटर ले रहा हूँ, वो 100 रुपये का टमाटर जो है वो महंगाई की वजह से 110 रुपये का हो गया है। ठीक है, तो 10% जो है वो मेरे पैसे ने वैल्यू खोई है, खत्म हुई है। दूसरी तरफ मैं बैंक अकाउंट में वही पैसे जमा कर रहा हूँ तो मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है? 5% का। सो ये डिसबैलेंस आप देख रहे हैं कि भाई मुझे 5% वहाँ से रिटर्न, मैं वही टमाटर लेने के लिए जा रहा हूँ मार्केट के अंदर एक साल बाद, तो बैंक से तो मैंने 5% का रिटर्न तो पकड़ लिया है, मगर जब मैं सब्जी वाले के पास लेने के लिए जाता हूँ तो बोलते हैं सर ये तो 110 रुपये का हो गया है, तो मैं अब वो चीज़ खरीद तो नहीं पाऊंगा। सो मेरी वैल्यू जो है पैसे की वो बढ़ नहीं रही है, उल्टा घटते जा रही है। सो गाइज, आई वुड नेवर एंड आई वोंट रिकमेंड यू कि भाई आप बैंक अकाउंट के अंदर पैसे जमा कराएं अनलेस एंड अनटिल आपका जो बैंक है वो आपको इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा रिटर्न दे। मैं एवरी मंथ एवरी ईयर इन्फ्लेशन देखता हूँ कि कितने परसेंट है, आज 9% है, आज 10% है, एंड आई पर्सनली ट्राई कि मैं उस जगह पे इन्वेस्टमेंट करूँ जहाँ पे मुझे इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा पैसे मिल जाए। उससे पहले ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि बैंक आपके डिपॉजिट के पैसे से करता क्या है। सो बैंक क्या करता है कि एक तरफ से आपका डिपॉजिट लेते हैं 5.5% का एंड दूसरी तरफ दो जगह लेंड करता है। दो जगह क्या 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 करता है कि कोई बंदा अगर लोन लेने के लिए आ जाए तो उसको लोन दे देते हैं, तो उसको एडवांस बोलते हैं या लोन लेते हैं। अगर आप बैलेंस शीट देखें बैंक की तो एक एडवांसेस का सेक्शन होता है। सो बैंक क्या करता है, डिपॉजिट उठाते हैं एक हाथ से और दूसरे हाथ से एडवांसेस दे देते हैं या लोगों को लोन दे देते हैं। उस लोन पे बैंक कमाता है कोई 26 से 36%, 26 to 36% बैंक रिटर्न कमाता है। तो 36% यहाँ से उन्होंने पकड़ा और बैंक ने 5% आपको दे दिया, 30% बैंक ने अपनी जेब के अंदर रख लिया। एक जगह ये है। दूसरी जगह ये है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स, जिसको हम PIB पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स भी कहते हैं या ट्रेजरी बिल्स भी कहते हैं। ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं इन्वेस्टमेंट, एक साल का इनका पीरियड होता है, वो आप परचेज कर सकते हैं या फिर आप पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड खरीद सकते हैं जो कि लॉन्गर टेन्योर के होते हैं, 3 साल के, 5 साल के, 10 साल के, 20 साल के। सो बैंक वही 5.5% से आपसे पैसा लेता है और आगे गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स में डाल देता है, जो कि नॉर्मली अगर मैं एक साल का भी अगर रेट देखूं, जो करंट रेट आज चल रहा है 2021 के अंदर, तो नियर टू मैं कहूँगा 9% 8% इसके करीब करीब चल रहा होता है, 7% चल रहा है, इसके करीब करीब ही चल रहा है, विच कैन बी वन ऑफ एन एवेन्यू जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इन्फ्लेशन की शायद हिट इतनी ज़्यादा ना पड़े। और कहाँ कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा आप कर सकते हैं, अगर आपके घर पे कोई सीनियर सिटीजन है जो कि 60% अबव है तो
तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बहबूद सर्टिफिकेट्स के अंदर। बहबूद अभी करेंटली 2021 के अंदर BSG इज माई फेवरेट, कि अगर कोई घर में सीनियर सिटीजन है तो आप उनके नाम पे पैसे रखवा सकते हैं। एंड उनका रिटर्न जो नियरली होता है वो होता है 11.5 से 12% के करीब अभी चल रहे 2021 के अंदर। इसको अगर मैं पूरी वीडियो को कंक्लूड करूँ तो उससे मुझे ये पता चल सकता है कि भाई एक साल के अंदर बैंक के अंदर सेविंग करके मेरी जो वैल्यू है, अगर 10% इन्फ्लेशन है और 5% मुझे रिटर्न मिल रहा है, तो 5% जो है वो मुझे पर्सनल लॉस हो रहा है। यही पैसे अगर मैं घर के अंदर कहीं छुपा के रखूँ, तकिए के नीचे रखूँ, कहीं रखूँ, तो वो 10% मेरी वैल्यू खो रहा है। सो डोंट सेव योर मनी, डोंट सेव योर मनी, ये ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है। नया स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि यू नीड टू इन्वेस्ट योर मनी। अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको अपनी वेल्थ बढ़ानी है, अगर आपको पॉवर्टी लाइन से ऊपर बढ़ना है, अगर आपको अमीर होना है, आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फाइंड योर इन्वेस्टमेंट एवेन्यू। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं जो कि रिस्की भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट हो गया, कमोडिटीज हो गए, क्रिप्टो करेंसीज हो गई, वगैरह वगैरह। हजारों जगह हैं, हजारों चीजें हैं जहां पे आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो मेरे इन्वेस्टमेंट्स आपको बताए, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स हो गए, या मैंने आपको बहबूद वगैरह का बता दिया, ये सब चीजें हैं, ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स है। ये आपके पैसे जो है वो कहीं जीरो नहीं हो जाएंगे, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, कैपिटल कंजर्वेशन फंड्स वगैरह होते हैं, जो कि बोलता है कि पैसे हम लोग इक्विटी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर देंगे या हाँ इन्वेस्ट कर देंगे, मगर आपकी वैल्यू कम नहीं होगी पैसे की। तो ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है जो मैं अपने चैनल के अंदर थोड़े थोड़े टाइम के साथ बताते रहूंगा। तो मेरे चैनल को अब तक जिन जिनने सब्सक्राइब नहीं किया, तो गाइज प्लीज डू लाइक, डू सब्सक्राइब, डू शेयर, एंड आई विल बी शेयरिंग बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपकी नॉलेज में भी इजाफा करेंगे और जो आपको एक साउंड इन्वेस्टमेंट लेने के लिए मदद करेंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।